हाँ भाई जल्दी पहुंचो यहाँ पर, ये बहुत पंगा ले रहे हैं मेरे साथ, जल्दी आओ जल्दी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अतिका गजल की दुनिया। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं और अतिका बिल्कुल ठीक हैं। तो गाइस, आप लोग देख रहे होंगे कि कल करके कहाँ जा रही है सुबह सुबह। तो आज है संडे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम वीडियो शीडियो शूट कर लेते हैं और आप लोगों के लिए व्लॉग भी बना लेते हैं। तो फाइनली हमें टाइम मिल ही गया। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6, तो हम उठ गए हैं जल्दी क्योंकि हमने वीडियो शूट करनी थी। और ये देखो मैंने न्यू पेंट लिए यार, देखो टैग भी नहीं उतारा मैंने, मतलब कितनी मैं शो ऑफ करती हूँ ना। और ये देखो सुबह सुबह मतलब इसका फेस देखो कितना डरावना हो गया। यार मैं तो चीनी लेने आई थी, मतलब ये चीनी लेने आई थी क्योंकि मैं चाय बना रही थी। मैंने सोचा क्यों ना हम चाय पी के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सोए नहीं है रात से, तो इसलिए हम फिर वीडियो बनाते वक्त फिर हम सोए पड़े होते हैं। तो इस वजह से इसको मैंने बोला कि चलो चाय बनाओ, तो देखते हैं इसकी चाय कहाँ तक बनती है। ओके चलो किचन में ले गए जल्दी हूँ आपको। तो ये रही मैडम, अभी इसने गैस चालू की है, अब इसमें पानी डालेगी, फिर इसमें दूध डालेगी मरुयथी का। और आज मौसम भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा मेहमान है आज मौसम। तो देखें ये है कुछ मौसम की सूरत हाल। और ये देखो बादल देखो कितने आए हुए हैं माशाल्लाह। तो शायद बारिश हो, आई डोंट नो कि होगी कि नहीं होगी, तो देखते हैं। और अभी मैंने रेडी भी होना है, ये मेरी फुल लुक मेरी फुल लुक टैग के साथ। तो देखती हूँ, मैंने अभी रेडी भी होना है यार, और मैंने अतिका को अपने साथ मैचिंग करानी है, तो उसके लिए मैंने शर्ट निकाली है। मैंने कहा कि तुम ये पहनो क्योंकि हमने मैचिंग करनी है, तो इस वजह से। बाकी घर का हाल अभी बिल्कुल सही नहीं है, दीवार भी हमारी पूरी सूखी नहीं है, लेकिन हमने एसी लगा लिया था यार क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इस वजह से। कहाँ गई शर्ट, हाँ ये रही शर्ट मैंने निकाल के रख दी है अतिका के लिए, ये वाली। ये भाई देखो मेरी न्यू शर्ट है, मैंने कहा कि हम दोनों मैचिंग करते हैं तो इसलिए हमने मैचिंग करनी है। तो क्या हो गया, जाओ जल्दी से रेडी हो के आओ, चाय बनाऊं या रेडी हूँ मैं। हाँ तो मैं रेडी होती हूँ गाइस, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है, रेडी होके, तब तक हमारी चाय बन जाए। ओके सो गाइस, मैं तो हो गई रेडी, तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। अभी मेरे बाल सही करने हैं अपने, ठीक है, लेकिन मैं पूरा रेडी नहीं हुई, आधा आधा रेडी हुई हूँ। तो एक सीन हो गया यार, बहुत ही बुरा सीन हो गया है, कैसे बताऊँ, पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ ही, तो क्यों होता है यार मतलब चलो आप बता ही देती हूँ, ठीक है, इतना है क्या ओवर रिएक्ट करना तो जो शर्ट मैंने आपको दिखाई कि मैंने कहा कि ये मैं अपनी अतिका को पहनाऊँगी, हम दोनों मैचिंग करेंगे, तो वो हो गया ठड़म, प्रोग्राम तो बढ़ गया, क्योंकि वो शर्ट अतिका को आई नहीं, क्योंकि वो मेरी थी ना इसलिए तो क्योंकि अतिका मोटी हो गई यार, अतिका को फिर से जिम ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो ये देखो अभी इसने ये शर्ट पहनी है, देखो कितनी प्यारी लग रही है, ये बहुत ही अच्छी लग रही है, ये बहुत नर्वस हो रही है कि पता नहीं लोग क्या ही कहेंगे, क्या कमेंट कराएंगे, क्या बोलेंगे, कैसे ड्रेसिंग की है ये वो। तो मैंने इसको कहा तुम लोगों की सुनोगी तो फिर पीछे ही रह जाओगी, तो दफा करो लोगों को बोलने दो, ठीक है, लोग तो बोलते हैं चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लोग हमेशा बोलते हैं, तो उनको बोलने का मौका तो मिलना चाहिए ना यार, तो इसलिए हम उनको मौका देंगे बोलने का, ठीक है। तो अभी देखो इसकी लुक दिखाती हूँ, ये देखो अभी मैं बात स्ट्रेट कर रही हूँ, तो बात करके तो बात करती हूँ। ओके तो ये रेडी हो जाए, मैं फुल लुक इसकी दिखाती हूँ आपको, ठीक है। और ये देखो हमारी चाय भी आ गई है, गर्मा गर्म चाय, किस किस को चाय पसंद है यार बताना मुझे, ठीक है, मैं तो बहुत ही चाय पीती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चाय पसंद है, तो इसलिए मैं चाय पीती हूँ, आई एम चाय लवर। तो चलो चाय पीती हूँ फिर मिलती हूँ, ठीक है, अधिका अभी रेडी हो जाए तब तक, फिर मैं अपने बाल भी सही करने मैंने अभी, तो मिलती हूँ। बस एक बात और,
आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा था कि अतिका के बाल बहुत ही अच्छे हैं, अतिका जी आप क्या लगाती हैं, तो वो जो है मैं बताना चाहती हूँ कि वो कुछ भी नहीं लगाती भाई, नहीं उसके लगाती बाल... तो ये हाला लगाऊं तो पता नहीं हाँ मतलब देखो रियल में उसके बाल इतने ही हैं, ये देखो यार मैंने बाल कटवा लिए, कुछ भी नहीं लगाती ये नहीं क्यों यार मुझे इसके इतने बाल पसंद है ना मेरे खुद के यार बढ़ते नहीं, पता नहीं क्यों मैं क्या ही करूं, इसके बाल मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको कहती हूँ नहीं तुमने कभी भी नहीं कटवाने यार, देखो कितने ज़्यादा लंबे हो गए हैं यार, ये मेरी लंबे तो बाल मेरी वजह से ना इसने इतने बाल अभी तक रखे हुए हैं, वरना अगर मैं ना होती ना तो ये बिल्कुल ही कटवा चुकी होती, बाल छोटे करवा चुकी होती, कटवा दूंगी यार जल्दी, लेकिन नहीं करवाने दूंगी यार, ये मुझे इजाजत नहीं दे रही, मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे इसके बाल बहुत पसंद है, इतने करा दूं बस, नहीं गाइस आप लोग बताना इतना इतना फैशन चल रहा है, इतने इतने करा दूंगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे इसके बाल बहुत ही पसंद है, मैं कहती हूँ मेरे नहीं है तो तुम्हारे तो है ना, तो तुम्हारे बालों का हम ख्याल रखेंगे, तो हम वैसे इतना ख्याल तो रखते नहीं है, बाल गिरते रहते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन, तो होता है, हाँ, लेकिन बहुत ही अच्छे बाल हैं इसके, मतलब मोटे है ना, तो देखो ये देखो ये देखो ये देखो माशाल्लाह 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 बोलना गाइस कमेंट में, ठीक है ना, तो मेरी ब्यूटीफुल अति आगे ब्यूटीफुल हेयर मेरे, चलो यार आते ही नहीं है आगे, बाल स्ट्रेट कर लो जल्दी से, क्या ही करूँ मैं, देखो मेरी हसीना ब्यूटीफुल, बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हाँ तुमने एसी की अपडेट दी है, सफाई नहीं की इसलिए हम जल्दी एसी की अपडेट हो यार, और एसी अभी ठीक है और दीवार सूखी नहीं है अभी तक, हमने एसी चला लिया था क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होती है, हमें तो रहा ही नहीं जा रहा था, हाँ खुद ही सर्विस किया है अतिका ने और ऐसे सही कर लिया, ये देखो हम ब्रांड न्यू कपड़े पहनते हैं भाई, हाँ हम पहनते हैं भाई ब्रांड न्यू, अब ये काट रही है वरना कहेगी कि जैसे लोग आपका काटते हैं जैसे लोग सबका काटते हैं भाई, आजकल तो सभी काट ही रहे हैं, तो काटने वालों में से तो बचो ठीक है, तो रेडी होके मिलती हूँ ओके, ओ गाइस फाइनली 7 बजे हम रेडी हो गए फाइनली ओके, और अब आपको दिखाने वाली हूँ मैं एक सुंदरी सुंदरी मतलब मेरी ब्यूटीफुल अतिका ओके, तो रेडी हो आप लोग उसके देखने के लिए, उसकी न्यू लुक देखने के लिए, मतलब उसको मैंने ये वाली ड्रेसिंग करवाई है ठीक है, तो मुझे तो बहुत ही पसंद आ रही है वो, लेकिन देखती हूँ आप लोगों को पसंद आती है कि नहीं ओके, चलो काम है बोलना ही बोलना, 1 2 3 स्टार्ट, टन टन माय ब्यूटीफुल सो फ्रेंड्स आज के लिए गर्लफ्रेंड, दिस इज माय गर्लफ्रेंड ओके, चलो हाँ लड़की है तो गर्लफ्रेंड नहीं है, हाँ अब आप लोगों ने इसको क्या क्या करना है वो आपको ही पता है, यस तो हम दोनों को देखो, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, टिंग टपाक टम टम तो चलो अभी हम चलते हैं, मैं गजल की लुक दिखाती हूँ यार, इसने मेरी तो दिखा दी है, इसकी क्यों नहीं दिखाऊंगी मैं, हे गाइस दिस इज माय फाइनल लुक, सो टेल मी मैं कैसी लग रही हूँ यार, मुझे तो मेरी पैंट की टेंशन है, गंदी हो जाएगी यार, नई नई पैंट ली है ना तो फिर नई नई पैंट लो तो फिर यही डर होता है, देखो कितनी ज्यादा खुली है यार, मतलब ये असल में फैशन होता है यार इस तरह का, सो डैश सो अभी चलते हैं यार बिना टाइम वेस्ट किए, सो गाइस हम अभी आए बाहर और हमने गेट भी बंद कर लिया है क्यों, और घर वाले भी सोए पड़े हैं ठीक है, तो अभी हम आए और हमारी गाड़ी जो है उसने जवाब दे दिया यार, हमारे साथ मोए मोए हो गया, वो चल ही नहीं रही, बैटरी फिर से डाउन, yes. मैंने टेम्प्रेरी बैटरी लगवाई थी तो वो बस क्या करें यार, तो अभी हमें यहाँ पर ही वीडियो बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पर ही शूट करते हैं यार ठीक है, नाश्ता भी हमारा रह गया, ओह माय गॉड, पर खैर कोई नहीं, परेशानियाँ नहीं, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, तो खैर गाड़ी ने तो जवाब दे दिया, लेकिन हम वीडियो बनाएंगे ओके, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कोई भी रोक ले, चलो वीडियो बनाना शुरू करते हैं, ओके सो फ्रेंड्स सुबह हम आकर कहते सो गए थे यार, सुबह गाड़ी वगैरह आपको पता स्टार्ट नहीं हुई थी, उसके बाद वीडियो बनाई और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, बारिश हुई नहीं, बारिश हुई थी फिर सुबह जब हम सो गए थे, तो फ्रेंड्स कहते हैं फिर अब उठे हम 9 बजे, तो अब मैं कहते बना रही हूँ बिरयानी, आपको दिखाती हूँ, सो ये बन रही है, चावल बॉयल कर रही हूँ, ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, सो गज़ल ने कहा कि यार सिंधी बिरयानी खानी है, तो मैंने कहा यार तुमने कहा है तो मैं क्यों नहीं बना के दूँगी, तो नीचे गैस ख़त्म हो गई थी, आपको पता है यहाँ गैस नहीं है, तो सिलेंडर में गैस ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो ऊपर जाके बना लेते हैं, फिर ऊपर आई हूँ यहाँ पे बना रही हूँ, सो मैंने कहा आप लोगों को साथ भी अपडेट दूँ,
तो भी बस कहते हैं आज हम करेंगे डू सिगरेट चैलेंज, जो कहते हैं काफ़ी सब लोगों ने पहले हमें कहा था, हमने बनाया था भी, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, देख सकते हैं आप। सो फ्रेंड्स कहते हैं ये वाला चैलेंज हम करने लगे हैं दोबारा से, तो अभी वगैरह खाना वगैरह खाते हैं, फिर खाना वगैरह खा के फ्री होते हैं, फिर इंशाल्लाह करते हैं ये चैलेंज। और आई होप कि आप लोगों को इस चैलेंज का मज़ा आएगा जैसे कि पहले आया था। काफ़ी सब लोगों ने बोला था कि यार पार्ट टू बनाओ, तो हमने कहा यार चलो पार्ट टू बना ही लेते हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं आप हमारे मैसेज का जवाब नहीं देते, तो यार क्या जवाब दूँ यार, हम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तब सबके आंसर के जवाब देंगे, फिलहाल अभी हम व्लॉग्स वगैरह आपको पता कितने कम बना रहे हैं, तो इतनी परेशानी हो रही थी चीज़ों के बीच में भी हम व्लॉग्स वगैरह बना रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल जो सिचुएशन चल रही है आप लोगों के साथ नहीं बता सकती वो मैं, इंशाल्लाह जब हो जाएगा सब क्लियर, सब कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी, फिर इंशाल्लाह आराम से आपसे डिस्कस करूँगी उस बारे में। तो इतनी परेशानी इन चीज़ों के बीच में भी हम व्लॉग्स वगैरह बना रहे हैं, तो यार यही बहुत बड़ी बात है। और आजकल हम कहीं जा भी नहीं, तो इसलिए ज़्यादा व्लॉग्स वगैरह नहीं आ रहे। आप लोग भी कह रहे हो यार व्लॉग्स नहीं आ रहे, प्रैंक करो मम्मा को लेकर आओ, इंशाल्लाह सारी आपकी बातें सुनूंगी, सब जो आप बोल रहे हो सब करेंगे, प्रैंक भी करेंगे, चैलेंज भी करेंगे, सब करेंगे। सो डोंट वरी यार, स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू व्लॉग मिलते रहें। सो इंशाल्लाह मैं बिरयानी वगैरह बना लूँ, खा लें, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। फ्रेंड जैसे कि आप जानते हैं कि कहते हैं आजकल ये कहते हैं वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसके अंदर कहते हैं बोतल के अंदर सुराख करके फिर ऐसे करके लाइट के नीचे खड़े होके करने वाला, तो हम ये वीडियो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले बोतल ले लिए मैंने और ये सब कुछ ले लिया, अब इसको करती हूँ ठीक है, फिर आपसे बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स इतने सुराख हुए हैं वो भी बहुत मुश्किल से, और आई थिंक सो अब वीडियो बन सकती है, तो अभी गज़ल रेडी हो रही है, फिर चलते हैं नीचे और इसके साथ वीडियो बनाते हैं, वो आपको वीडियो मिलेगी इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे। ओके सो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपनी बोतल लेकर, तो अब देखते हैं क्या बनता है, पता नहीं सही से बनती है कि भी नहीं, पर चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो बनाते हैं फिर बात करते हैं। वीडियो का तो पता नहीं वीडियो कैसी बनी है, पर हालत चेक करो, वहाँ पे भी यहाँ पे भी भागो, इससे पहले कोई वहाँ पे पकड़ के कुटे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, सो पहले वाला जो मतलब थोड़ा शूट था हमने जो किया था उसके उसको करने के बाद हम भूल गए थे कि हमने ब्लॉग भी शूट करना है। तो क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्मी, मैंने किया था बीच में, क्या था, हाँ मैंने कहा था, मैं कहा हम चैलेंज करते हैं जब मैं बिरयानी बना रही थी। अच्छा। और उसके बाद फिर नहीं हमने गए, फिर हमने वो बोतल वाला किया, वो भी हाँ दिखाया। यार वो भी दिखाया हमने। उसके बाद हम सो ही गए थे, और सोए तो नहीं थे, मोबाइल का यूज कर रहे थे, हम लेजी बहुत हैं, लेजी हैं बहुत, हम अब तक सोए नहीं है। लाइट नाश्ता लेने जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं नाश्ता लेने, क्योंकि हमें पैसे नहीं है हमारे पास, गाड़ी हमारी चल नहीं रही कि एटीएम से जाके पैसे निकाले, यहाँ से देखते हैं कोई जैस कैश वाला या कोई मिले उससे पैसे ट्रांसफर करके तो विड्रॉ कर लेते हैं, पैसे वगैरह ले लेते हैं उनसे, क्योंकि एटीएम में तो हैं पैसे पर हमारी जेब के तो पैसे नहीं है, शायद 100 रुपया हो मेरे पास, पर बहुत गरीब हो गया है, 100 रुपये है, हमारा नाश्ता आ जाएगा, मतलब कि 70 रुपये के चने और दो नान। ओह माय गॉड गाइस, तो चलो जल्दी से मैं दुपट्टा पकड़ती हूँ फिर हम चलते हैं ठीक है, और नीचे चल के मिलते हैं। गाड़ी का थोड़ा मसला, आप इंशाल्लाह हम आज नहीं तो कल बैटरी चेंज ही करवाएंगे, क्योंकि हमारा गुजारा नहीं है एक दिन भी कहते गाड़ी के बगैर, और कभी कोई मसला कभी कोई मसला, तो हम इसको खत्म। सो गाइस बाहर तो हम आए हैं, इतनी ज्यादा धूप है, इतनी धूप है बता नहीं सकती, बहुत ज्यादा धूप है, हमारे दरवाजे को जंग लग गया यार, जैसे लोगों को लग जाता है हमें देख के दरवाजा, वाह इसने लगता है सारी उम्र दरवाजा ही खोले। चल जल्दी, कितनी धूप है, ओह माय गॉड देखो, और ये देखो हमारी गाड़ी ये बंद पड़ी है क्योंकि इसकी बैटरी खराब हो गई है, तो उस वजह से अभी इसको हम संभाल के इधर खड़ी कर दिए ताकि ये आराम सुकून करे 2-3-4 दिन तक, ये सुकून ही तो करती रहती है बस, हाँ हमें तो पता नहीं बेसुकून ही करके रखा हुआ यार, हमें पता नहीं कब सुकून देगी, तो हमसे हम सोचते हैं कि चलो इसका पेंट शेंट, हाँ सच आप पहले जाएँ बोला भी लोग देख कराएँ, जब हमने गाड़ी का पेंट वगैरह करवाना था तो वो जल्दी से जाके पहले देखें और आपको फिर बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आतिका गजल की दुनिया, कैसे हैं आप सब, ठीक है ना, किस किस की जल रही है पता नहीं, पर मैंने जहाँ तक नोट किया है सबकी जल रही है। तो गाइस आज मैं आई हूँ अपनी गाड़ी वॉश कराने, यस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी गाड़ी बेचारी अभी अभी ठीक हुई है, तो मैंने कहा कि उसका नहाना भी बनता है यार, क्योंकि इसका भी पेंट शेंट का काम रहता है, तो इसलिए मैंने कहा पहले वॉश करवा लेते हैं ताकि बाद में वॉश करना मुश्किल हो जाएगा, इनकी सुन ले पहले, बोले बोलो
कंपाउंड पॉलिश के बाद वॉश कराना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा पहले सर्विस करवा लेते हैं उसके बाद। आज हम सर्विस कराने आए हैं, वॉश। आज हम सर्विस कराने आए हैं गाड़ी की। ये तो अभी दो गाड़ियां लगी हुई हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हमारी गाड़ी जाएगी क्योंकि हमें वेट करना पड़ रहा है यार। ओह माय गॉड, गजल बट को वेट करा रहे हैं यार। इनको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ यार, कोई बताए जाके इनको कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। एक बार मतलब रजा बट को फोन करना पड़ेगा, भाई को फोन मिलाना पड़ेगा। एक मिनट में भाई को फोन करती हूँ यार। अभी तो हमने सिर्फ बताया कि हम उनको मिलने जा रहे हैं, आप लोग तो जल गए हो यार, अब मिलेंगे तो क्या होगा तुम लोगों का। हाँ भाई जल्दी पहुँचो यहाँ पर, ये बहुत पंगा ले रहे हैं मेरे साथ, जल्दी आओ जल्दी। ठीक है, आई एम वेटिंग। यस, तो भाई ने बोल दिया है कि आने का तो आने का, ठीक है ना, वो आएंगे फिर वो खुद ही इनसे आके बात करेंगे। देखती हूँ फिर ये कैसे मेरी गाड़ी नहीं धोते, कैसे मेरी गाड़ी वॉश नहीं करते, ये देखना आप लोग। बड़े आए मुझे एटीट्यूड दिखाने, पता नहीं है इनको मैं बट हूँ, बट हट पीछे हट आई गलर बट। ओह माय गॉड, क्या कहना चाहोगी अब? इसको तो बस गाड़ियां ही अच्छी लगती है यार, जैसे कोई लड़की बड़ी से बताओ कोई। जैसे जब उसको कहते गाड़ी पसंद है वैसे मुझे भी यार, तो हम कहते बस साहब जो होते हैं वो उस वक्त गाड़ियों में, उनको खाना भी बहुत पसंद है, तो यू नो खाना तो उसको भी बहुत पसंद है, दिमाग मेरा तो उसको बहुत ही पसंद है। लोगों की ऐसे चले कि हाँ अब तो ये लोग में इनका नाम लेने लग गए हैं, तो भाई हमारी मर्जी, हमारे जो भी लगते हैं वो हमारी मर्जी ना, तुम लोग क्यों बीच में अड़ रहे हो, सड़ रहे हो हैं? एड्डे तुसी रंदे नहीं जाहिल। तो यार ये कुछ लोग हैं ना जो मतलब जलते उनके हैं, लिए जो हमारे अच्छे फ्रेंड्स हैं, जो हमें हाँ। अच्छा समझते हैं, जो हमारे हमसे प्यार करते हैं, उनके लिए तो हमारे दिल हाँ। से प्यार है यार, ऐसे ना हो कि आप लोग भी समझो कि हमें क्या है। जो लोग गलत सोचते हैं हमारे बारे में, जो हमें प्यार करते हैं उनके लिए दिल से रिस्पेक्ट है, दिल से। लेकिन कुछ लोग जो है ना मतलब हमें पता है कि वो कौन है, ये सारा हमें पता है, हम उनके लिए बोलते हैं ये, ऐसा आप ना समझें कि आपके लिए बोलते हैं हम। लेकिन ये कुछ लोग जो जलते हैं ना हमसे, उनके लिए बोलते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए नहीं बोलते हम, उनके लिए दिल से रिस्पेक्ट है और हमेशा रहेगी। और जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं तो उनको कैसे बुरा बोल सकते हैं हम यार। तो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, लव यू सो मच, ओके। तो टेंशन नहीं लेनी, चलाने वाले को हमने और जलाना है, ठीक है ना, आप सब लोगों ने हमारा साथ देना है उनकी जलाने में, ठीक है ना, कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने तो खैर चलता रहता है, चलता रहता है यार। ये मेडिसिन लेनी है तो डैशबोर्ड में रखते हैं ना, उस बाइक के दौरान फेंकी दे, तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जा रही है वॉश होने, आज मैंने इसको सर्विस करवानी है यार, लाइटें चेक करो पीछे से, अब आज मैं इस वाले कहते आई हूँ वॉश कार पे, क्योंकि यहाँ पे सही होती है यार। बिल्कुल ना लिटरली थोड़ा सा ना धुआं मुझे ना जहाँ तक स्मोक थोड़ी सी नज़र आ रही है, पता नहीं उसका कोई इशू है या नहीं, इंशाल्लाह वो भी मैं चेक करवाऊँगी जिसका पेंट वगैरह हो जाए। अब माशाल्लाह पहले से तो काफ़ी बेहतर लग रही है, बट पेंट शेंट हो जाएगा फिर एक बार नीट हो जाएगी, ज़रा अच्छी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स वो देख सकते हैं गाड़ी ऊपर चली गई है और वॉश हो रही है, आज सारी इसको अच्छे से वॉश करवानी है ताकि ये साफ़ है और डेंटिंग पेंटिंग का काम अच्छे से हो। सो फ्रेंड्स वॉश हो चुकी है गाड़ी, है पीछे कपड़ा डाला हुआ है यहाँ से यार, इस तरह है और वहाँ से भी इस तरह ही होनी चाहिए, है ना, यहाँ से नीट है तो दूसरी तरफ से क्यों नीट नहीं है भाई। किधर लेके जा रहे हैं भाई साहब, इतना फजूल पैसा भी नहीं है मेरे पास यार। गाइस ये मेरे पास नहीं मानती यार, मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है, यू नो लड़कियों को पिंक कलर ज्यादा पसंद होता है, तो मैंने कहा कि इसको हम पिंक करवा देते हैं यार। पिंक अच्छी लगेगी, ये मेरी शहजादी पिंक या पर्पल, इस शहजादी की मानू या इस शहजादी की मानू, मेरी माननी पड़ेगी पिंक या पर्पल। चलो कल जाएंगे हम पता करेंगे पूरी गाड़ी का क्या पैसे लेते हैं ना, फिर देखते हैं क्या करना है। फाइनली मेरी शहजादी जो है चमक चुकी है, माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी नजर ना लगे तो माशाल्लाह हो गई है। अभी हम चलते हैं घर, ठीक है, जल्दी से बहुत गर्मी है तो चलो चलते हैं हम, ठीक है। हाँ तो अभी चल रहे हैं हम नाश्ता लेने, ठीक है,
सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि हमने गाड़ी वगैरह वॉश करवा ली थी, हमने सोचा था कि सुबह जाके पेंट करवा लेंगे, पर हुआ ऐसा कि कहते हैं यार कुछ मसले मसाइल आ गए जिसके वजह से हम नहीं जा सके। तो इंशाल्लाह कहते हैं जल्दी जाएंगे। हमने उसके लिए कह रहे थे अरेंज के पैसे कि पेंट वगैरह का काम हो जाए इसका, पर वो नहीं हो सका। उसके बाद उसकी बैटरी का इशू आ गया, बैटरी करवा लें उसके बाद पेंट करवाएंगे। तो अभी चलते हैं। तो चलो अभी हम चलते हैं नाश्ता लेने, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ही ठंडी हवा आ रही है, और ये देखो सुबह का माहौल कितना अच्छा है, सुकून दे, सुकून दे है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे यार। इतना मतलब पानी होता है, इतनी बारिश होती है, लेकिन फिर भी पानी सारा निकल जाता है, पता नहीं कहाँ ही चला जाता है। देखो हमारा सोसाइटी, देखो कितना प्यारा है हमारा सोसाइटी। ओ माय गॉड, आई लव दिस, आई लव माय सोसाइटी, है ना। तो चलो चलते हैं हम, ठीक। तो ये देखो गाइस, मेरे पाँव देखो कितने अच्छे लग रहे हैं यार। ओह माय गॉड यार, वो देखो फ्लावर पटूं, फ्लावर पट के आओ मेरे लिए, जाओ जाओ मेरे लिए फ्लावर पट के आओ। चोर 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 चोर। अरे देखो मेरी जानू बेचारी, थैंक यू सो मच जानू। नहीं नहीं नहीं, ये काफी मेरे लिए। ये देखो पिंक फ्लावर, पिंक रेड है, हाँ। आई लव दिस यार, मुझे फ्लावर बहुत पसंद है, अगर किसी को देने हैं तो दे दो। यस, तो चलो अभी हम चलते हैं, ठीक है, नाश्ते वाले के पास पहुंच के फिर दिखाती हूँ आपको, ठीक है। गाइस एक और बात, यहाँ पे ना एक पुराना खंडर है, खंडर दिखाऊँ मतलब सोसाइटी में खंडर यार। ओ माय गॉड, बहुत ही डरावना है, बहुत ही डर लगता है इससे देख के। आप लोगों को दिखाती हूँ, हाँ रात को तो इतना लगता है। ये देखो ये घर देखो, मतलब दो साल हो गए यार, मतलब ये ऐसे ही है, पता नहीं किसका घर है, हमें ही दे दो ताकि हम सेट वेट कर लें यार, है ना। हमें यार कोई है इसका मालिक तो फिर हमें बता दे, ठीक है। ये सारा नया घर बनवा लें, ठीक है, उसमें तो ज़्यादा पानी आ जाता है, तो ये थोड़ा सही है, पानी वानी नहीं आएगा, तो कॉन्टेक्ट करना। और ये ज़मीन अंदर चली गई है यार पता नहीं क्या हो रहा है। पता क्या हुआ था, ये नेट वाली तार अंदर से लेके गए थे, उसकी वजह से ना सारी ज़मीन खोखली हो गई, जैसे लोगों के दिल खोखले हैं, ये तो जाके उनके दिल पे लगेगी। तो कोई नहीं, स्कूल कॉलेज जाएं, हम तो भाई अपनी ब्लॉगिंग चैनल लेने जा रहे हैं। हाँ तो चलो यार, मैं उधर मिलती हूँ, ठीक है, उधर मिलती हूँ। हाँ उधर नान चने वाले के पास, उसको फ्लावर देती हूँ। बहुत धूप है, बहुत धूप। और आ मेरा नाश्ते वाला, फाइनली मैं नाश्ते वाले के पास पहुँच गई, तो अभी लेते हैं नाश्ता। ओके तो गाइस, ये नाश्ता ले लिया हमने, इसको कहा कुछ था, इसने दिया कुछ, मतलब समझ नहीं आती लोगों की आजकल दिमाग की ना, क्या ही बोलूँ मैं। तो खैर छोड़ो, इग्नोर करो, ऐसे लोगों को इग्नोर ही करना बनता है हमारा। तो चलो अभी हम चलते हैं बाहर, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है बता नहीं सकती। तो घर चल के फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। घर में एसी में है, हाँ, हाँ। वो सुकून कहीं नहीं, वो बाद में जब एसी का बिल आता है तो वो लगता है, हाँ वो फिर पता लग जाता है कि ये सुकून हमें कैसे मिला, फिर वो दिल पे जाके लगती है ना। महीने के कहते हैं 1,00,000 रुपये पे करना पड़ता है, पर क्या करें, जिंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा तो आता जाता रहता है, हाँ। जमा करके क्या करेंगे लोग, होते हैं यार अभी ना चलाओ, पैसे जमा करो, जिंदगी का कोई पता नहीं यार, हाँ। आ रहा है तो इस्तेमाल करो, हाँ। एंजॉय करो। चलो कोई नहीं, हम चलते हैं, ठीक है। सो गाइस, मैंने सोचा क्यों ना मैं इस व्लॉग का एंड यहाँ पर ही ले लेती हूँ, क्योंकि एक मिनट अपना फूल दिखाऊँ, हाँ। तो मैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि व्लॉग ज़्यादा लंबा हो गया है, तो इस वजह से मुझे एंड करना पड़ रहा है, क्योंकि एडिटिंग में फिर इतना टाइम लग जाता है, फिर बता नहीं सकती, फिर ये बेचारी मासूम सी लड़की थक जाती है यार एडिट कर करके, फिर आप लोगों को जल्दी भी व्लॉग चाहिए होता है, तो इस वजह से यहाँ पे एंड कर रही हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है ना गाइस। ओके तो अभी मैं जा रही हूँ घर, ठीक है, बहुत सारा प्यार आपके लिए और आप सबका प्यार मेरे लिए, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, मतलब हम दोनों के लिए, ओके हम दोनों के लिए, ठीक है, लव यू गाइस, बाय बाय।